अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल अहमद। आप देख रहे हो एबीटेक 99 चैनल। तो दोस्तों, आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़ों में होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि हमारे पास है आईपैड 9 जनरेशन, दूसरा आईपैड हमारे साथ है आईपैड मिनी 5। तो भाई, आज हमारा वीडियो है आईपैड 9 और आईपैड मिनी 5 के बारे में। दोनों डिवाइसेस के मैं वर्सेस खेलूंगा, इन दोनों की कंपैरिजन करूंगा और आपको प्राइसेस बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आईपैड मिनी 5 की स्पेक्स बताता हूं। आईपैड मेरे पास है 64 GB 8-12 बायोनिक चिप के साथ आपको मिल जाता है। आजकल 8-12 बायोनिक चिप आईपैड मिनी 5 जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट चल रहा है और अभी तक इसमें कोई इशू नहीं है, ना कोई लैग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। तो भाई, इसकी परफॉर्मेंस की वजह से इसकी प्राइसेस बढ़ गई और दूसरा वजह यह है कि ये कंपनी से डिसकंटिन्यू हो गई। आपको कंपनी से बॉक्स पिकअप नहीं मिलेगा, जो दुकानदार के पास मिल जाते हैं वो ओल्ड स्टॉक होते हैं और इसकी प्राइस इसकी मर्जी के मुताबिक होता है। यानी अभी अगर आपको मिल जाता है बॉक्स पैक पाकिस्तान में तो आपको मिलेगा ओल्ड स्टॉक क्योंकि कंपनी से डिसकंटिन्यू हो गई है। अभी आ रही है आईपैड मिनी 6। अगर आपको लेना है तो फिर सेकंड हैंड ले लो। सेकंड हैंड आपको मिल जाता है 60 से लेकर 63 तक। तो भाई, ये सारी बातें हो गई आईपैड मिनी 5 के बारे में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लूज प्राइस में, आपको मिलने वाला है 90 PS और देखते हैं कि भाई 90 PS कैसा है इसके अंदर और कैसा चलता है। तो भाई, चलते हैं इसके बारे में। भाई, तो एप्पल की तरफ से एक सरप्राइज है क्योंकि आपको लो प्राइस में मिलने वाला है 90 PS। इसकी जो 90 PS वो बिल्कुल बेहतरीन है, प्रो के साथ कंपेरिजन करता है। इनशाला कभी मैं इसकी कंपेरिजन करूंगा प्रो के साथ, लेकिन मैंने इसके ऊपर खेला है, ये 90 PS प्रो की तरफ खेलता है, बिल्कुल सही चलता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल लाजवाब है। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसकी आज प्राइस है 80 से लेकर 83 तक आपको मिल जाएगा बॉक्स पैक आईपैड 9 जनरेशन। इसकी जो सेकंड प्राइसेस है वो आपको मिलने वाला है 59 से लेकर 63 तक आपको मिल जाएगा। तो भाई, अगर आपको आईपैड 9 जनरेशन 90 PS और इसकी जो मॉडल है 2021 मॉडल है, तो अगर आपको लॉन्ग खेलना है इसके ऊपर, अगर आपको 60 से लेकर 63 तक आपको आईपैड 9 मिलता है, तो भाई आईपैड मिनी 5 ना लो क्योंकि ये जो है अभी इसकी फीचर है, ये अभी मार्केट में आए हैं तो आगे गेम के लिए परफॉर्मेंस देगा, अच्छी परफॉर्मेंस, और इसकी जो अंदर चिप है वो भी लेटेस्ट है। आपको लेटेस्ट डिवाइस मिलता है, 90 PS डिस्प्ले वाला मिलता है और 13 चिप के साथ मिलता है, तो क्यों आप आईपैड मिनी 5 चूज करते हो? मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लेना है तो आईपैड 9 जनरेशन ले लो। इसके अंदर अच्छी फीचर है कि फ्रंट कैमरा में आपको वाइड मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। और भाई, इसकी जो बैटरी है वो बिल्कुल बड़ा बैटरी इसमें लगा हुआ है, तकरीबन 8000 से ऊपर है। सुबह से लेकर भाई शाम तक आप इसके ऊपर खेल सकते हो, इसकी बैटरी बहुत बड़ा है। और भाई, अगर 90 PS आपको बता दो तो 90 PS जल्दी बैटरी डिस्चार्ज करता है क्योंकि प्रो के अंदर मैंने देखा है जब 90 PS आप खेलते हो 5 से लेकर 6 मैचेस तक आप खेल सकते हो इसके ऊपर। तो भाई, फिर से मैं आपको प्राइसेस रिपीट करने वाला हूँ। आईपैड 9 जनरेशन बॉक्स पैक आज की डेट आपको मिलता है पाकिस्तान में 80 से लेकर 83 तक आपको मिल जाता है बॉक्स पैक। आईपैड मिनी 5 सेकंड हैंड आपको मिलने वाला है 60 से लेकर 63 तक। तो भाई, अगर आपने आईपैड मिनी 5 लेना है, साइज मैटर करता है आपके साथ, तो फिर मिनी 5 ठीक है, इसके ऊपर आप खेल सकते हो, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। लेकिन अगर आप बड़े साइज पे खेल सकते हो तो फिर 90 PS ले लो आईपैड 9 जनरेशन, तो बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा आपको। तो भाई, आपके सामने है कंपेरिजन रेडी और चलते हैं, कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। मैंने टैप कर दिया कौन सी डिवाइस, जल्दी एंट्री हो जाता है गेमिंग में। तो भाई, आप देख सकते हो आईपैड 9 जनरेशन जो बिल्कुल पावरफुल है, सबसे पहले गेमिंग में एंट्री हो गया है और मिनी 5 जो है वो बिल्कुल पीछे रह गया और बहुत ज्यादा टाइम ले लिया एंट्री में, क्योंकि भाई 13 और 12 इसके अंदर चिप की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अलग है। इसकी चिप अपग्रेड है, इसके अंदर आपको मिल जाता है A13 बायोनिक चिप, आपको मिल जाता है 11 से लेकर आईफोन 11 प्रो मैक्स में आपको 13 चिप मिलता है, तो इसके अंदर है 11 प्रो मैक्स की चिप, A13 बायोनिक चिप। तो भाई, रूम रेडी है, इधर भी मैं टैप करता हूँ कौन सी डिवाइस एंट्री हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी डिवाइस एंट्री हो जाता है गेमिंग में। तो आपके सामने है, तो भाई आपने देख लिया आईपैड 9 जनरेशन।
एंट्री में विन कर दिया। तो अभी देखते हैं बुलेट रजिस्ट्रेशन में कौन सी डिवाइस विन करता है, देखते हैं कौन सी डिवाइस विन करता है। तो आपने देख लिया आईपैड 9 जनरेशन फिर से विन कर दिया एंट्री में। ये जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको 13 चिप मिलता है, तो खामखा ये आगे निकलेगा इससे। ये चिप की वजह से आपको परफॉर्मेंस देता है फर्स्ट एंट्री में। तो भाई दोनों डिवाइसेस बुलेट रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी है और मैं टैप करता हूँ कौन सी डिवाइस विन करता है। तो भाई बुलेट रजिस्ट्रेशन में सबसे आगे और पहले आईपैड मिनी 5 ने विन कर दिया। तो दूसरे टाइम देखते हैं कौन सी डिवाइस रजिस्ट्रेशन में विन करता है। तो माशाल्लाह अभी भी इसकी जो मेरी 5 है इसकी परफॉर्मेंस अच्छा है, और मेरा जो ख्याल है इसकी जो बुलेट रजिस्ट्रेशन है वो अभी भी सबसे आगे है। इसके उदय 11 फिर से विन कर दिया, आईपैड 9 से विन कर दिया भाई। हाँ बिल्कुल नाइस शॉट, 3 टाइम कैसे विन करता है भाई, कमाल की चीज़ है। इसकी मैं वेस्ट चेक कर रहा था कि भाई डैमेज होता है कि नहीं या कोई ग्लिच है इसमें, क्या सीन है। तो आपने वेस्ट देख लिया, इसकी जो वेस्ट है वो 3 टाइम बिल्कुल सही डैमेज हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर मैं फिर से ट्राई करता हूँ क्या होता है और क्या है इसकी, मैं गेम रिस्टार्ट करता हूँ ठीक है। अगर इसमें कोई ग्लिच विच है तो आपकी भी जहन क्लियर हो जाएगा, और मैं रिस्टार्ट करता हूँ देखते हैं क्या मसला है। तो आपके सामने है 4 मरतबा मैं ट्राई करता हूँ, मेरा भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा क्या सीन है भाई। इसी तरह जो प्रीवियस वीडियो था मेरा 8 जनरेशन की, तो रजिस्ट्रेशन इसी तरह ही था मिनी 5 का। तो मैं कह चुका हूँ आपको, बार बार मैं आपको कहता हूँ कि भाई इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो परफेक्ट है, लेकिन जो 90 फीसिस की मोमेंट है वो सिर्फ आपको फ़ायदा देगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ मिनी 5 की बिल्कुल परफेक्ट है। आप किसी के साथ रूम खेलते हो या आप क्लासिक में आप इसकी मूवमेंट करते हो तो इसकी मूवमेंट जो है 90 पे आपको सपोर्ट देगा, लेकिन इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मिनी 5 की सामने नहीं है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। मिनी 5 की जो रजिस्ट्रेशन है वो परफेक्ट है। तो ये था आज की वीडियो। अगर आपको आईपैड चाहिए, कोई सेकंड हैंड या बॉक्स पैक चाहिए, अगर इसके अलावा अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आईपैड के मुतालिक, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हो। कोशिश करूंगा मैं आपको रिप्लाई दे दूं, लेकिन मेरे साथ बहुत मैसेजेस आते हैं, तो भाई मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे साथ, तो टाइम ना होने की वजह से मैं रिप्लाई दे सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। तो भाई ये मेरा था आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।